हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आयुर्वेदा। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश में जितनी भी बीएमएस कॉलेज है, चाहे वो गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट बीएमएस कॉलेज हो, सभी कॉलेजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन सी कॉलेजेस की कितनी फीस रहने वाली है, कितने मार्क्स पे वो कॉलेजेस आपको मिल सकती है, टोटल नंबर ऑफ इनटेक क्या है। हम हर एक चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो। ठीक है, देखिए, पूरे हिमाचल में जितनी भी कॉलेजेस है ना, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, सभी कॉलेजेस जो है अफिलिएटेड है, आप देख सकते हैं, अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी से। ठीक है, यह यूनिवर्सिटी है और यही काउंसलिंग कराती है सभी जो है कॉलेजेस की, अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी। इसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो है काउंसलिंग होती है और आपके एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक, यही यूनिवर्सिटी जो है आपको डिग्री देगी और परमिशन देगी, सारी चीजें, एग्जामिनेशन आपका जो है यही कंट्रोल करती है। ठीक, अब बात करें अगर कि हिमाचल में टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस क्या है, तो हिमाचल में जो है ना बच्चों, 4 कॉलेज हैं जिसमें से एक जो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, और बाकी 3 जो हैं आपके वो प्राइवेट कॉलेज हैं। जी हाँ दोस्तों, मात्र 4 ही कॉलेज हैं और बहुत कम सीट है। सीट की बात करें तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पे जो आपका 75 सीट है और जो प्राइवेट कॉलेज है यहाँ पे है 180 सीट है आपका, जो टोटल मिला के आपका 255 सीट हो जाता है पूरे हिमाचल में, जिसमें 75 गवर्नमेंट है और 180 सीट जो है, 180 जो सीट है वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सी कॉलेजेस हैं, कितनी फीस है इन सभी कॉलेजेस की और कितने मार्क्स पे आपको कॉलेजेस मिलेंगी। सबसे पहले हम प्राइवेट कॉलेज के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्राइवेट कॉलेज है वो है आपका अभिलाषी आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ठीक है, स्टेबलाइजेशन की अगर बात करें तो यह कॉलेज स्टेबलाइज हुई थी 2014 में और टोटल नंबर ऑफ इनटेक है इसमें 60 सीट है इसमें, जिसमें से 15% तो ऑल इंडिया कोटा की सीट होगी, यानी कि 9 सीट। ठीक है, बाकी जो है 85% यानी कि जो है 51 सीट ही जो है हिमाचल के बच्चों के लिए होता है यहाँ पे। ठीक है, ट्यूशन फी की अगर बात करें तो ट्यूशन फी यहाँ पे जो है टोटल पैकेज जो आता है ना इसका, टोटल कोर्स का, वो 16.5 लाख रुपए, 16.5 लाख रुपए जो है इस कॉलेज में बताया जाता है ट्यूशन फी पूरा कोर्स का, विदाउट हॉस्टल बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर कट ऑफ की बात करें इस कॉलेज की, तो कट ऑफ में देखेंगे हम यहाँ पे कि अगर देखिए, अगर आपके पास 250 के आसपास नंबर है, अगर आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं, मैं ऑल इंडिया कोटा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं स्टेट कोटा की, जो बच्चे हिमाचल से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास 250 प्लस मार्क्स हो रहा है तो आप इस कॉलेज में इजीली जो है काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉलेज है वो हम देखेंगे कि शिवा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। ठीक है, यह कॉलेज जो है बिलासपुर में सिचुएटेड है। अगर बात करें इसकी स्टेबलाइजेशन की, तो कॉलेज स्टेबलाइज हुआ था 2006 में और टोटल नंबर ऑफ इनटेक इसमें भी 60 है, जैसा कि मैंने बताया 9 सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए है, जो हिमाचल से नहीं है, हिमाचल के बाहर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और 51 सीट जो है आपको हिमाचल के बच्चों के लिए है। ट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे 3,10,000 रुपीज़ जो है आपको पर ईयर फी पे करना पड़ेगा, यह विदाउट हॉस्टल है। अगर आपको लग रहा है कि ये बजट बहुत ज़्यादा है, आपके बजट में ये कॉलेज नहीं है और आप कम बजट में एक बढ़िया कॉलेज देखना चाहते हैं, एक बढ़िया कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो बच्चों आप हिमाचल छोड़ के दूसरे स्टेट में भी देख सकते हैं, जैसे आपके नियर अबाउट उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, इधर साइड में कम बजट में बहुत ही अच्छी कॉलेजेस मिल सकती हैं आपको। और अगर आप काउंसलिंग में किसी प्रकार का सपोर्ट चाहते हैं, काउंसलिंग में हमारे द्वारा पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आपको नंबर दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे अपनी पेड काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, अगर ये कॉलेज की कट ऑफ की बात करें, तो यह जो कॉलेज है ना, ये अगर आपके पास 280 के आसपास नंबर है तो इजीली जो है आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगेन, मैं ऑल इंडिया कोटा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं स्टेट कोटा के बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के जो बच्चे आएंगे ना, उनके लिए फी स्ट्रक्चर भी अलग रहने वाला है और स्टेट कोटा के बच्चों के लिए फी स्ट्रक्चर अलग रहती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो कॉलेज है उसकी हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है आपका अवस्थी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि सोलन में सिचुएटेड है। ठीक है, स्टेबलाइजेशन की बात करें तो यह कॉलेज चल रही है 2016 से यह कॉलेज रन कर रही है और टोटल नंबर ऑफ इनटेक इसमें भी 60 है, जिसमें आपका 9 जो है वो ऑल इंडिया कोटा का और 51 जो है आपका स्टेट कोटा, यानी हिमाचल के बच्चों के लिए। ठीक है, ट्यूशन फी की बात करें तो 3 लाख रुपीज पर ईयर आपको पे करना पड़ता है, यानी कि 5 साल का 15 लाख तो सिर्फ फीस हो गया, उसके बाद 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपया मिनिमम हॉस्टल चार्ज मानेंगे अगर,
तो 5 साल का जो 5 लाख हो गया, तो 20 लाख तो यही हो गया, ऊपर से सिक्योरिटी मनी, एडिशनल चार्ज, एग्जामिनेशन फॉर्म, टोटल मिला के जो है ना आपका 17 से 18 लाख रुपया हिमाचल में BAMS में चला जाता है। तो अगर आप हिमाचल से बिलोंग करते हो और चाहते हैं आपके आपको कम बजट में एक बढ़िया कॉलेज मिले, तो बच्चों आप जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा आपको, इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी एक छोटी सी पेड काउंसलिंग सर्विस चार्ज होती है, उसको पे करके आप हमारे द्वारा टोटल गाइडेंस ले सकते हैं। और अगर आप पेड काउंसलिंग सर्विस नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल पे जो है हम काउंसलिंग की प्रोसेस को बहुत ही डिटेल्स में, बहुत ही सरल तरीके से बताते हैं। CCC की काउंसलिंग हो, किसी भी स्टेट की काउंसलिंग हो, अगर आप हिमाचल से बिलोंग करते हो तो आप पंजाब में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, आप उत्तराखंड में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, आप किसी भी स्टेट में किस प्रकार से काउंसलिंग करेंगे, सारी चीज़ें जो है मैं इस चैनल पर बताता रहता हूँ। तो इस चैनल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कौन सी कॉलेजेस किस मार्क्स पर मिलने वाली है, क्या कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपने ये चैनल दी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो तुरंत कर ले, ताकि आपको जो है काउंसलिंग की संपूर्ण नॉलेज हो सके, ठीक है। आखिरी जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, उस कॉलेज की हम बात करेंगे, वो कॉलेज है आपका गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि पपरोला में सिचुएटेड है, ठीक है। मात्र एक ही कॉलेज है हिमाचल प्रदेश में, स्टेबलाइज हुआ था यह कॉलेज 1972 में, और टोटल नंबर ऑफ इंटेक है इसमें आपका 75 में जो है ऑल इंडिया कोटा का 15% सीट है, और 85% जो है आपका स्टेट कोटा के बच्चों के लिए हो जाता है, ठीक है। ट्यूशन फी की अगर बात करें तो टोटल जो है 40,000 rupees ट्यूशन फी है, अराउंड 37,000 के समथिंग इसका जो है ट्यूशन फी है, मैंने ओवरऑल 40,000 बताया आपको यहाँ पे। कट ऑफ की बात करें तो अगर आपके पास 480 से 500 के आसपास नंबर है ना, तो आपको यह कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे, अगर आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं तो। ऑल इंडिया कोटा के लिए तो 550 प्लस जाता है इसकी कटअप, ठीक है। तो बच्चों ये हमने देखा गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में जो पपरोला में है। अगर आप चाहते हैं ना कि इस कॉलेज की प्रॉपर कट ऑफ बताऊं मैं कि जनरल कैटेगरी क्या है, को कौन से मार्क्स पे मिलती है, ओबीसी को कौन से मार्क्स पे मिल पाएगी 2024 में, ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक पार्टिकुलर वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला के नाम से जो है वीडियो बना रखा है मैंने, उसमें मैंने एक एक कैटेगरी को किस मार्क्स पे कॉलेजेस मिली हैं और क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स हो सकते हैं 2024 के लिए, सारी चीजें मैंने डिस्कस की है। तो बच्चों मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।